उज्जैन महाकाल लोक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उज्जैन संभाग के निवास करने वाले आम नागरिकों को भी इसमें बुलाया गया था। वहीं निमंत्रण देकर उज्जैन के संभाग के कांग्रेस के विधायकों व कांग्रेस नेताओं को इस दौरान निमंत्रण ही नहीं दिया गया। वहीं पूर्व विधायकों को भी इसमें नहीं बुलाया गया था, जिससे नाराज होकर आज मीडिया के सामने कांग्रेस ने अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है। दरअसल पूर्व विधायक और कांग्रेस के वर्तमान विधायक का बेहद इससे नाराज चल रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताई है कि आम जनता के द्वारा चुने गए विधायकों को उज्जैन के धार्मिक कार्यक्रम महाकाल लोक में ही नहीं बुलाया गया और आम जनता के द्वारा चुने गए विधायकों को दरकिनार इसमें किया गया है, जबकि संविधान नियम के अनुसार आम जनता के द्वारा चुने गए विधायकों को धार्मिक कार्यक्रमों में बुलाना अति आवश्यक था। पर उज्जैन संभाग में निवास करने वाले आम नागरिकों को पत्र देकर बुलाया गया था, वहीं कांग्रेस के वर्तमान विधायकों व पूर्व विधायकों को नहीं बुलाया गया। महाकाल लोक के धार्मिक कार्यक्रम में जिससे कांग्रेस के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक इससे बेहद नाराज चल रहे हैं और उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर इस दौरान जमकर हमला बोला है। कल जो कमलनाथ सरकार ने और हम लोगों ने जो शुरुआत महाकाल मंदिर के लिए समय की थी, उसका भव्य उद्घाटन भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ जाया के पंचायत का प्रदर्शन भी कहा, परंतु हम किसी को भी हमारे पास आमंत्रण नहीं आया है। नियम के अनुसार जो विधायक हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाना था, पर क्यों बुलाना चाहिए? हाँ, हमारे पास कोई आमंत्रण नहीं आया। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में समरसता होना चाहिए और सनातन धर्म की परंपरा यही कहती है कि हम जब इस प्रकार के कोई धार्मिक आयोजन अनुष्ठान करते हैं तो उसमें सारे राजनीतिक मतभेदों को, व्यक्तिगत मतभेदों को भुला करके, दरकिनार करके, हर उस व्यक्ति को जो उसका सुपात्र है, वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी जाति का हो, उसे ज़रूर बुलाना चाहिए। हिंदुस्तान में सनातन धर्म की परंपरा सदैव भगवान राम के समय से, भगवान श्री कृष्ण के समय से, आदि अनादिकाल से ये परंपरा रही है कि जब भी कोई यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, तो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को निमंत्रित किया जाता है और सबको निमंत्रित करना चाहिए था। सर, वर्तमान जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको ही नहीं बुलाया कांग्रेस के, बस जो बीजेपी को बुलाया, कांग्रेस के विधायकों को नहीं बुलाया? ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की त्रुटि हो सकती है या कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक इस प्रकार का कोई निर्देश हो सकता है, संभव है। लेकिन जिसके भी ऐसे निर्देश हो या जो भी ऐसी व्यवस्था हो, ये सनातन धर्म उसको स्वीकार नहीं करता।